हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रियंका और आप देख रहे हैं कुक डेली विद प्रियंका। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू दो प्याज़ा की सब्ज़ी। ये फटाफट से बनके तैयार हो जाती है और इसको बनाने में बहुत कम समय लगता है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। जब कोई भी सब्ज़ी समझ में ना आए तो हम इसे बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो चलिए हम आलू दो प्याज़ा की सब्ज़ी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने गैस पर एक कढ़ाई रख दी है और उसमें 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है। अब यहाँ पर हम ये इंग्रेडिएंट लेते हैं। इसमें हमने 3 बड़े आलू लिए हैं और 3 प्याज इस तरह से कट करके लिए हैं। और यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर, गरम मसाला, कसूरी मेथी, धनिया पाउडर, जीरा और 2 साबुत लाल मिर्च ली हैं। ऑयल ये गर्म हो गया है, अब हम इसमें जीरा डाल देंगे। जीरा क्रैकर होने लगा है। अब हम इसमें आलू हमने पहले से धुल के रखे थे, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसको हम उलट पलट के चलाते रहेंगे। इन आलू को हमें थोड़ा सा भूनना है, इनका कलर चेंज होने तक हम इसे पलट के भूनते रहेंगे। ये देखिए इनका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। तो इसको इस तरह से पलट देंगे। अब इनका कलर चेंज हो गया है तो अब हम इनको कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। आलू को हमने बाहर निकाल लिया है। अब हम इसी कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल और डाल देंगे। मैं यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें 2 साबुत लाल मिर्च डाल देंगे। ये भुन गई हैं। अब हमने जो प्याज कट करके लिया था, इसके स्लाइसेस हमने अलग करके कट किया था, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको बस कुछ देर तक भून लेंगे। इसका हमें कलर चेंज नहीं करना है। इसके स्लाइसेस को हम अलग अलग कर लेते हैं। अब हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, धनिया पाउडर ऐड करेंगे और कसूरी मेथी इसमें हम ऐड कर देंगे। इन सभी को मिक्स करके हम कुछ देर तक चलाते रहेंगे, जब तक ये मसाले इसमें मिक्स ना हो जाएं। मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें आलू डाल देंगे। जो आलू हमने फ्राई किए थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इन सभी को मिक्स कर देंगे। आलू को हमने इसमें मिक्स कर दिया है। अब हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। गरम मसाला डाल देंगे। नमक और गरम मसाला डालकर हम इसे मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे 1 लीड से कवर कर देंगे और 3 से 4 मिनट तक कुक कर लेंगे। फिर लिड हटा कर हम देखते हैं तो ये आलू गल गए हैं। इस तरह से हम तोड़ के देखते हैं
तो आलू ये पक चुके हैं और ये टूट रहे हैं। जब आलू पूरी तरह से कुक हो जाए तो हम इसमें अमचूर पाउडर डाल देंगे और धनिया पत्ता डालकर इसे सर्व करेंगे। तो आलू दो प्याज़ा की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए, देखने में कितनी डिलीशियस दिख रही है और बनने में भी बहुत आसान है। इसे हम कुछ ही समय में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइए कैसी बनी है हमारी ये रेसिपी। इस सब्ज़ी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।